सब कहते हैं कि कम देर पढ़ लो पर जब भी पढ़ो कंसंट्रेट करके पढ़ो बट ये कोई नहीं बताता कि ये कंसंट्रेशन का टेबलेट हम लाएं कहाँ से डोंट वारी आई विल टेल यू थ्री टेक्निक्स विच कैन हेल्प यू टू कॉन्सेंट्रेट बेटर चेक देम आउट पॉइंट नंबर 1 स्टार्टिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है जब भी आप पढ़ने की शुरुआत करें उस सब्जेक्ट से स्टार्ट करें जो आपको इंटरेस्टिंग लगता हो जिसे पढ़कर या सॉल्व करके आपको मजा आता हो ना कि उस सब्जेक्ट से जो आपको डेंजरस लगता है डरावना लगता है जिसमें आपको कॉन्फिडेंस नहीं है अदरवाइज आप पढ़ने के लिए मोटिवेट ही नहीं हो पाएंगे और बुक्स को बंद कर देंगे पॉइंट नंबर टू योर एन्वायरमेंट एंड द सराउंडिंग्स मैटर अलॉट जब भी आप पढ़ने बैठे मेक श्योर कि आपका स्टडी एरिया प्रॉपरली लिटअप हो और आप टेबल चेयर का यूज करें अगर आप सोफा पर या बेड पर लेट कर पढ़ते हैं अंधेरा करके रखते हैं रूम में तो आप सोने की तरफ जा रहे होते हैं ना कि पढ़ने की तरफ पॉइंट नंबर थ्री बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी बुक्स हमारे हाथ में होती है हम देख भी बुक्स में रहे होते हैं लेकिन हमारा ध्यान कहीं और होता है इस चीज से बचने के लिए आप एक टेक्निक का यूज कर सकते हैं न राइट सी आर ऑन एवरी पेज सी आर मीन्स कॉन्सेंट्रेटेड रीडिंग जैसे ही आपकी नजरे उस सी आर पर पड़ेगी आपको याद आएगा कि आपको भटकना नहीं है इधर उधर घूमना नहीं है बल्कि पढ़ना है दिस इज अ वेरी गुड टेक्निक आई ऑल्सो अप्लाइड दिस ड्यूरिंग माई स्टडीज आई होप ये तीनों टेक्निक्स आपकी मदद करेंगी और आपको बेस्ट टेक्निक कौन सी लगी नीचे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा ऑल द बेस्ट